बोले ना जी, किसने बैठा है? नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कारण परमार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ और मैंने अपनी कांग्रेस की ओर से दावेदारी करना चाहता हूं और मैंने की भी है। मैं पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़ा हूं। इससे पहले मैंने हिमाचल प्रदेश पुलिस में 5 साल नौकरी की है। 5 साल नौकरी करने के उपरांत मैंने अपना रिजाइन दे दिया और मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं अपनी ग्राम पंचायत रेलू से युवा क्लब का प्रधान बना। उसके बाद पंचायत का इलेक्शन हुआ, अपनी पंचायत से पंचायत प्रधान बना। पंचायत प्रधान जब होने के बाद मैंने ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा और शाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से रात ब्लॉक से ब्लॉक का चेयरमैन बना। चेयरमैन जब होने के बाद मैंने फिर पंचायत प्रधान का इलेक्शन लड़ा, यानी कि 3 बार पंचायत का प्रधान रहा, 1 बार ब्लॉक का कांग्रेस कमेटी का और शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महासचिव रहा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी रहा और उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी का मैं महासचिव भी रहा। पिछले 35 वर्षों से मैंने कांग्रेस पार्टी का कार्य किया है और पिछले 20 वर्षों से शाहपुर हलका के लिए कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहा है और टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी मैंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, काम किया है। इस बार भी मैं शाहपुर हलका से कांग्रेस पार्टी का दावेदारी हूँ। मैं अपने हलके की कुछ एक समस्याओं के बारे में समस्याओं को आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जैसे कि शाहपुर हलका में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका पिछले 15 सालों से जिन्होंने कि शाहपुर का प्रतिनिधित्व किया है, 1 वोट पहले MLA रही हैं, उसके बाद वो चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रही हैं और 2 बार लगातार हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट रैंक की मंत्री रहे हैं। इतना सरकार में ओहदा होने के बावजूद भी जितना शाहपुर में तरक्की होनी चाहिए थी वो तरक्की नहीं हुई। मैं आपको आपके
ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे शाहपुर हलके में कई पंचायतों में पानी की काफ़ी असुविधा है, सड़कों की काफ़ी सुविधा है। आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे साथ एक बूढ़साना पंचायत लगती है, वहाँ के लोगों ने भी आपके समक्ष मुन्नाओं की सड़क के लिए, मुन्नाओं के गांव की सड़क के लिए आपके चैनल के जरिया प्रयास करवाया है। कई बार शाहपुर की विधायिका जी से भी उन्होंने आग्रह किया है, परंतु आज तक उस सड़क के लिए सरकार की ओर से कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। वो गांव जो है सड़क से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मुन्नाओं गांव में अगर कोई रात को बीमार हो जाता है या दिन को बीमार हो जाता है या महिला को प्रॉब्लम हो जाती है तो पालकी में उठा के उनको रेलू पंचायत में लाना पड़ता है। उसके बाद मैं वो आगे गाड़ी में लेके जाते हैं। अगर वो टाइम सर वहाँ पे ना पहुँचे, हॉस्पिटल पर पहुँचे, तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ऐच्छिक निधि हमारे विधायिका या मंत्री जी को सरकार की ओर से दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है कि अगर कोई हल्के से या प्रदेश से कोई बीमार है या आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, उसको ऐच्छिक निधि आती है। परंतु हमें आरटीआई की वजह से आईटीए से हमने एक लिया है, जानकारी ली है, उसमें यह दर्शाया गया है कि वो ऐच्छिक निधि जो है अच्छे अच्छे घर के समान जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको दी गई है। और मैं हिमाचल प्रदेश सरकार के बारे में ये कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी का मुद्दा आप सभी को मालूम है कि शाहपुर में क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार की बहुत समस्या है। हाल ही में शाहपुर में एक बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया है, आपको मालूम होगा। उस बस स्टैंड में लोगों को बैठने के लिए सरकार की ओर से कोई भी सुविधा नहीं दी गई है और ना ही पानी की सुविधा दी गई है। यात्रियों को घंटा घंटा, दो दो घंटे जो है वहाँ पे खड़े होना पड़ता है। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये आपने अच्छा सवाल किया। मैंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से सभी से संपर्क किया है, शिमला में जाके मैंने संपर्क किया है और जो नेता हमारे प्रभारी जी यहाँ आते हैं उनसे भी बात की है, धर्मशाला में भी हमने अपने नेताओं से संपर्क किया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप कंस्टिट्यूंसी में जाओ, वहाँ काम करो, फील्ड में जाओ, हम सर्वे करवा रहे हैं, आपका नाम आ जाएगा तो हम आपको टिकट वापस देंगे। ऐसे क्या सेक्टर्स हैं जिस पर आप अपनी दावेदारी करते हैं? ऐसा है, इसमें फैक्ट्री है कि मैं पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ और कांग्रेस पार्टी से जुड़ के जो लोगों की समस्याएं हुआ करती थी, अब हमारे जो उच्च नेता थे उनसे हम समस्याएं बताते थे और समस्याओं का हम समाधान भी कराने की कोशिश करते थे। जैसे आपने कहा कि पार्टी ने कहा है कि सर्वे में आपका नाम आता है तो आपको टिकट जी, सर्वे में नाम नहीं आता है तो भी कन्फर्म चुनाव लड़ेंगे? जो हमारे समर्थक, जो हमारे शाहपुर की जनता जनार्दन है, जो भी आदेश करेगी उस देश के पालन की है। तो जी, आप
हाँ तो अगर जनता बोलेगी, समर्थक बोलेंगे, चुनाव तो लड़ा जाएगा, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। अगर टिकट नहीं मिलती है तो भी आप चुनाव लड़ेंगे? जी।